आगरा की हरिपर्वत थाना पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान महिला से चेन लूटने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों बाइक सवार दो बदमाश दिन दहाड़े महिला से गले की चैन लूटकर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। वहीं बीती रात मुखबिर से आरोपियों की सूचना मिलने पर हरिपर्वत थाना पुलिस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो लोगों को आता देख पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मोहित के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस दौरान उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस को लूटी गई चैन, एक तमंचा और बाइक बरामद हुई है। मैं थाना हरिपर्वत को मुखबिर से सूचना मिली कि दो अभियुक्त, जिन्होंने दो दिन पहले थाना हरिपर्वत क्षेत्र में दिन दहाड़े एक एक्टिवा पे जा रही महिला से चेन लूट की घटना को कारित किया था, वो अभियुक्त घटना हरिपर्वत से गुजर रहे हैं और इस सूचना पर थाना हरिपर्वत ने पिकेट लगाकर चेकिंग की और अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया, तो अभियुक्त रुके नहीं और भागने लगे। इसमें एक अभियुक्त मोहित पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसको आवश्यक उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों से भाग गया है। अभियुक्त मोहित के पास से घटना में लूटी गई चेन, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, एक इलीगल वेपन, एक लाइव राउंड और एक एमपी कार्ट्रिज और दो हेलमेट जो इन दोनों बाइक सवारों द्वारा पहने गए थे, वो बरामद हुए हैं। थाना पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।